फ्रेंड, मैंने दोपहर के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इंडक्शन में दाल चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू की भुंजड़ी। ये देखिए, आलू को मैंने काट के धो लिया है। अब इसको हम बनाएंगे। मैं चूल्हे में बना रही हूँ क्योंकि चूल्हे का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है और मेरा काम भी जल्दी होगा करके। और चावल को मैंने गैस में चढ़ा दिया है और दाल को इंडक्शन में, और चूल्हे में मैं आलू की भुंजड़ी बना रही हूँ। तो आज सादा सब्जी ही बना रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल डाल दिया है मैंने, गरम हो गया है। और इसमें मैं डालूंगी सूखी मिर्च। उसके बाद आलू और प्याज को मैंने एक साथ काटा है ताकि दोनों एक साथ भुंज जाए। अब इसमें हम डालेंगे। इसको हम ढक देते हैं, थोड़ा पकने देते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड, खोल के देखते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक और हल्दी। देखिए, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी, हमें इसमें मसाला नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही सादा बनाएंगे। इसमें सिर्फ मिर्ची, नमक और हल्दी का ही प्रयोग हुआ है। चलिए, इसको हम पकने देते हैं, ढक देते हैं जब तक। देखिए, ढक देते हैं, पकने देते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, देखते हैं हमारी सब्जी बन चुकी होगी। देखिए, पक गया है ये। इसको काटने से देखिए कट जा रहा है। ये पक गई है हमारी सब्जी। तो चलिए, हम चूल्हे से उतार देते हैं, हम और दूसरी सब्जी बनाएंगे। ये देसी हमारे छत्तीसगढ़ का सब्जी है और इसका नाम है करमत्ता भाजी। उसको हम बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। मेरा फेवरेट है, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आलू की सब्जी बना चुकी है और ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भाजी है, करमत्ता भाजी। इसको मैंने धो के कढ़ाई में डाल लिया है। इसको अब मैं चूल्हे में चढ़ाऊँगी। इसको थोड़ा देर हम पकाएंगे ऐसे ही भाप से। उसके बाद हम प्याज और मिर्ची से इसको बघारेंगे। तो चलिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने प्याज काट लिया है और इसमें सूखी मिर्च और नमक ही बस यूज होगा। तो थोड़ी देर इसको हम पकने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, देखते हैं हमारी भाजी। देखिए, इसको हल्का सा हम पकाए हैं। चलिए, एक बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं, फिर इसी में हम प्याज भूंजेंगे। एक मिनट में कढ़ाई को उतार लेती हूँ। चलिए, इस बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड, मैं इसको बर्तन में निकाल ली हूँ और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ गरम करने के लिए। इसमें प्याज को हम लोग भूंजेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज और मिर्ची और नमक
बस इतना ही यूज होगा हमारा। इसमें टमाटर डाल के बनाते हैं, पर हम लोग आज टमाटर नहीं खाते हैं, शुक्रवार है तो वैसे ही बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो पकने देते हैं इसको। तो फ्रेंड इसमें हम नमक डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से लाल हो तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें भाजी को डालेंगे। इसको अच्छे से हम भूनने देते हैं, उसके बाद डालेंगे हम भाजी। तो देखिए फ्रेंड हमारा प्याज और मिर्ची अच्छे से भूंज गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये करमत्ता भाजी को। अब हम चम्मच चला लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये हो गया हमारा सब्जी, थोड़ा सा और पकने देते हैं हम 5 मिनट, फिर ये हो गया। तो फ्रेंड आज की हमारी जो सब्जी है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम बाद में। तो फ्रेंड भांजी लोग आए थे हमारे यहाँ मेहमान, आज घर जा रहे हैं और देखिए मौसम कितना ख़राब है। इनका घर हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो मिस्टर बाइक से छोड़ने जा रहे हैं, तो इन लोग जा रहे हैं तो हम लोग रोड तक छोड़ने आए हैं। तो चलिए भांजी को हम लोग बाय कर देते हैं, बाय कर। तो रोड तक चलते हैं इनको छोड़ने के लिए। तो देखिए फ्रेंड हम लोग रोड तक छोड़ने आए हैं हमारे घर से। बाबू भी आया है दादी के साथ, अब इन लोग जा रहे हैं। बाय, कॉल करना पहुंच के, ठीक है। तो फ्रेंड भांजी लोग चले गए, अब सूना लगेगा हमको। हम लोग रोड तक छोड़ने आए थे, देखिए माँ बाबू को गोदी ली है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के तरफ, तो चलिए चलते हैं।